السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم दुनिया में जब कोई काम होता है तो जिसको पहले से उसके बारे में मालूम होता है वो देखकर अंदाजा कर लेता है। अच्छा खोल दो भाई खोल दो। उसको देख कर अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है और जिसको कुछ नहीं मालूम होता वो समझ भी नहीं सकता। एक मिसाल से समझिए इसको। एक जगह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। जिस जगह बिल्डिंग बननी है पहले से वहां एक मकान मौजूद था, कमरे भी थे, बरामदे भी थे, किचन भी था, कुछ लोग आबाद थे, कई मकान थे, पूरा महल्ला आबाद था। अब एक मंसूबा बनाया गया कि यहां एक बड़ी इमारत तामीर की जाएगी। जो लोग छोटे छोटे से घरों में रह रहे हैं उनको बड़े कुशादा कर दिए जाएंगे, तकलीफ में रह रहे हैं उनको आरामदेह कर दिए जाएंगे, वहां रहने वालों को पता नहीं, नोटिस लगा दी गई मकानात खाली कर दो, ये इमारतें गिराई जाएंगी। तो वो तो ये समझेंगे ना कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। उधर तामीर की तैयारी शुरू हो गई। दो चार पांच किलोमीटर दूर किसी गोडाउन में सीमेंट की बोरियां उतारी जा रही है। यहां से बहुत दूर किसी दूसरे गोडाउन में लोहा उतारा जा रहा है, किसी ईंट की फैक्ट्री में ऑर्डर दे दिया गया ईंटे बनाने के लिए, किसी जगह से पत्थर लाए जा रहे हैं,
बजाय ये सारे काम अलग अलग हो रहे हैं, इनका आपस में कोई जोड़ नहीं। एक आदमी वहां से गुजरा जहां सीमेंट रखी जा रही है, तो उसने सोचा ये सीमेंट क्यों उतारी जा रही है, हो सकता है किसी को सीमेंट का बिजनेस करना होगा। एक दूसरा आदमी वहां से गुजरा जहां लोहा उतारा जा रहा है, तो उसने सोचा ओहो शायद यहां लोहे की कोई नई दुकान खुल रही है। बस एक तीसरा आदमी वहां से गुजरा जहां ईंटें बन रही हैं, तो उसने सोचा ये तो ईंटों का कारखाना है, यहां तो ईंटें बनती रहती है, ठीक अच्छा काम हो रहा है। वो बेचारा जो इन सारी जगहों को देख करके आया था, वो यहाँ आया जहाँ बिल्डोजर लगा हुआ है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, पुराने मकान, ओहो कितना जुल्म हो रहा है इन गरीबों पर, वो तो उसको जुल्म ही समझेगा। एक चौथा आदमी है जिसको पूरा मंसूबा पहले से मालूम है, तो वो हर जगह जाता है और देखकर खुश, और अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट आ गई, अल्लाह का शुक्र है ईंटें भी तैयार हो रही है, अल्लाह का करम है लोहा भी आ गया है, और माशाल्लाह जगह भी साफ हो रही है। ये किसको पता होगा? जिसको पूरा मंसूबा पहले से मालूम है। अब किसी अजनबी आदमी को कहा गया कि भाई यहां एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी, वो तो समझा कि मुझे कहा गया था बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो एक आध दीवारें बन गई होंगी, लोग बहुत खुश होंगे। आकर के देखा तो लोग तो परेशान हैं, सामान रोड पर पड़ा हुआ है, बच्चे बिलक रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं, हमें उजाड़ दिया गया, हमें बर्बाद कर दिया गया। तो वो तो यही समझेगा मुझसे झूठ बोला गया था, मुझे गलत इत्तला दी गई थी, मुझे बतलाया गया था कि यहाँ बिल्डिंग बनेगी, लोग आराम से रहेंगे, लोगों का तो जो पहले का आराम था वो भी छीन लिया गया। ये होता है दुनिया में या नहीं होता? आपके बेंगलोर में होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है। अब उसने कहा कि कितना झूठ है, कितनी बड़ी धोखेबाजी है, कहा गया था यहाँ रहने वालों को आराम मिलेगा, इनको ऐसी तकलीफ में डाल दिया गया, इनको रोड के किनारे फेंक दिया गया, इनके घर तोड़ दिए गए, इनके बर्तन पड़े हैं, इनके बिस्तर पड़े, फिर क्या होगा? जमीन साफ की जाएगी, गड़े खोदे जाएंगे, फिर बुनियाद भरी जाएगी। अब जब बुनियाद भरी जाएगी तो वो जो चीजें दूर दूर थी अब वो करीब आनी शुरू होंगी। वहां से लोहा आएगा, यहाँ से सीमेंट आएगी, वहां से पत्थर आएगा, वहां से ईंटें आएंगी। जो चीजें दूर दूर थी वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगेंगी, और एक आम आदमी को उस वक्त नजर आएगा जब बिल्डिंग बन कर खड़ी हो जाएगी, उससे पहले उसे नहीं नजर आएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको जहन में रखकर अब इसी तनाजुर में दुनिया में होने वाले वाकयात को समझिए। अल्लाह ताला के कुछ तकवीनी मंसूबे होते हैं इस दुनिया में, उन मंसूबों की तकमील के लिए अल्लाह अपने बंदों का इस्तेमाल फरमाते हैं। कहीं दोस्तों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं दुश्मनों को इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जैसे काम करने के लिए कहीं ट्रक इस्तेमाल होता है, कहीं वर्करों को लाने के लिए बसें इस्तेमाल होती हैं। बस और ट्रक में फर्क है या नहीं? और कहीं बिल्डोजर इस्तेमाल होता है, बस ट्रक और बिल्डोजर में फर्क है या नहीं? तो आप बिल्डोजर को दुश्मन समझ लीजिए और बसों और ट्रकों को दोस्त समझ लीजिए। कहीं अल्लाह ताला दोस्तों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं दुश्मनों को इस्तेमाल करते हैं। किसी से वो काम लेते हैं जो एयर कंडीशन बस का होता है, किसी से वो काम लेते हैं तखरीब का जो बिल्डोजर का होता है, लेकिन काम सब कर रहे होते हैं अल्लाह के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। और अक्सर काम करने वालों को भी पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले से बतला दी है ये बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतला दी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम फरमाया है कि उम्मत में ये सारी बातें दो और दो चार की तरह बिल्कुल क्लियर एक जगह पर मौजूद न रहे। क्यों? आप लोगों के बैंकों में अकाउंट होते हैं ना, तो आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा करके उसमें अपना पासवर्ड लिखते हैं? लिख दीजिए ना एक बार, कहीं तो लिखते हैं लेकिन कितना छुपा के रखते हैं। लिखते भी हैं कि कहीं भूल ना हो जाए। किसके लिए लिखते हैं? अपने लिए और अपने वारिसों के लिए, कि खुदा ना खास्ता अचानक कोई हादसा हो जाए तो सारी रकम जाया ना हो जाए, हमारे वारिसों को पता चले। लेकिन किसी डायरी में, वो भी बहुत ही मखसूस डायरी में, और वो डायरी भी अलमारी के अंदर, और अलमारी के अंदर भी कोई खाना है तो उसके अंदर, इस तरह करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जो गैब की खबरें होती है ना, आइंदा आने वाले वाकयात की जो खबरें हैं, इनको भी यूं समझें कि ये दुनिया के वाकयात के पासवर्ड हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बतलाया है अपने वारिसों के लिए, लेकिन सब के लिए नहीं बतलाया। इसलिए ऐसी अहादीस के अज्जा अल्लाह की तरफ से इंतजाम किया गया है, बिखेर दिए जाते हैं अलग अलग। जैसे कोई बहुत समझदार आदमी हो और वो ये काम करे कि उसके पास पांच डायरी हैं, वो पासवर्ड का एक लफ्ज इस डायरी में लिखे, एक उसमें लिखे, एक उसमें लिखे, एक उसमें लिखे। जिसको भी कोई डायरी मिल जाए उसके लिए बेकार। अब उसका इंतकाल हो गया, उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, समझदार था, और वो अपने वालिद के मिजाज को पहचानता था कि मेरे अब्बा का ये मिल जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ अब्बा की कितनी डायरियाँ हैं। डायरियाँ तलाश किया। अब उसके बाद उसने देखा कितने उरूफ हैं, ये लिए सब जमा कर लिए। अब तरतीब क्या है उसे नहीं मालूम। अब बैठ करके वो खुद एक तरतीब देता है, फिर ट्राई करता है, फेल हो गया। नहीं, दूसरी तरतीब देता है, ट्राई, तीसरी, किसी मरतबा तो वो कामयाब हो ही जाएगा ना, कोई तरतीब तो सही होगी, कामयाब हो जाएगा ना। या फिर वो जो देखता है, अच्छा ये देखो अब्बा की जो डायरियाँ हैं इनमें डेट क्या लिखी हुई है, ये 2017 की है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो लफ्ज लिखा है वो पहला होगा, ये 18 की है तो इसमें दूसरा होगा, ये 19 की है तो इसमें तीसरा होगा, ये 20 की है इसमें चौथा होगा, ये 21 की है इसमें पांचवा होगा, ये 22 की है इसमें छठा होगा। इसी तरतीब से जोड़ लिया, मिल गया। ये कोई दलील है? ये उसकी फिरासत है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू फिरासत अल्मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ये उसकी फिरासत है कि वालिद ने इसी तरतीब से लिखा होगा और उसके बाद उसने चेक किया, कामयाब हो गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा पेश आने वाले जो हालात बतलाए अल्लाह की तरफ से ऐसा इंतजाम किया गया है कि उन अहादीस के अज्जा बिखरे हुए हैं, ताकि जिनको नहीं बतलाना है उन्हें पता न चले। और जिनको बतलाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को मालूम हो। जिस जमाने में बतलाना मकसूद होता है उस जमाने में अल्लाह ताला कोई ऐसा साहिब बसीरत पैदा करते हैं जो उन अज्जा को जोड़ता है। जैसे माजी करीब में हमारे मुल्क में अल्लाह ने हजरतुल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा हुआ, जैसे उनसे पहले कुछ पहले अल्लाह ताला ने हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। खास तौर से हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन बिखरे हुए अज्जा को जोड़ा और जोड़कर बतलाया। अब जिसको अपने बड़ों पर एतमाद होता है,
उनकी इल्मी सलाहियत पर, उनके दीन और तकवा पर, उनकी अमानत और दयानत पर, उनके गहरे मुताले पर, उनकी लिल्लाहियत पर और उनके इखलास पर जिनको एतमाद होता है, बस वो उनसे फायदा उठा लेते हैं, उन लोगों को वो पासवर्ड मालूम हो जाता है। लेकिन उनको भी हिंदी की चिंदी करके बतलाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन उनको अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो हालात को देखकर घबराते नहीं हैं, तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, वो तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। इसको यूं समझिए कि किसी जगह बिल्डोजर चल रहा है, इमारतें गिराई जा रही हैं, मकानात मुनहदिम हो रहे हैं। अब कई किस्म के लोग होते हैं, बस मातम करने वाले होते हैं जिन गरीबों की किस्मत में मातम के सिवा कुछ नहीं है, और उन खुश नसीबों को मातम के लिए मुहर्रम का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, अल्लाह ताला उनको साल भर मातम के मौके देते हैं। हमेशा नाशुक्री उनका मिजाज होती है, जिंदगी भर मातम करते हैं। देखो क्या हो गया, देखो कितना जुल्म हो रहा है, देखो। एक समझदार आदमी है, वो वहां पहुंचा, उसने देखा भाई क्या प्रोग्राम है, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। अच्छा क्या क्या होगा, नीचे मॉल होगा, ऊपर आबादी होगी, फर्स्ट सेकंड में ऑफिसेज होंगे, उसके ऊपर मकानात हो। अच्छा अच्छा बना कौन रहा है, क्या करना है, मुझे एक आध दुकानें बुक करनी है और मेरे पास दोस्तों को ऑफिस लेना है। अभी वहां कुछ नहीं नजर आ रहा, जो है वो भी तोड़ा जा रहा है और वो अपनी दुकान की तैयारी कर रहा है, वो अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे बनाने वाले पर और बतलाने वाले पर भरोसा है और गोया उसको मुस्तकबिल का नक्शा नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि इतना बड़ा मजमा इन इशारों को समझ जाए और महसूस कर ले, मुस्तकबिल बहुत खुशगवार है इंशाल्लाह। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब उसी की तैयारियां हैं, बिखरे हुए अज्जा हैं, जिस दिन अल्लाह चाहेंगे जमा होने शुरू हो जाएंगे और वो नक्शा बनेगा जिसको पहले से बतलाया है रहमत दो आलम सैयदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बाल के बराबर भी उससे फर्क नहीं होगा। कैसी होती हैं ये तैयारियां, उसका एक नमूना अल्लाह ताला ने हम सबको दिखाया खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में। मैंने अपनी पिछली गुफ्तगु इस जगह लाकर जानबूझकर रोक दी है, इससे ज्यादा खोलने की शायद इजाजत नहीं होती। वक्त आएगा तो खुद सब कुछ खुलेगा, उससे पहले खोलने की इजाजत नहीं होती। और जो लोग कुदरत की मंशा को नहीं समझते और वक्त से पहले अल्लाह के राजों को खोलने की कोशिश करते हैं, वो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल्लाह के राजों को वक्त से पहले नहीं खोला जा सकता। लेकिन अल्लाह के काम किस तरह होते हैं इनको समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा में थे और चंद लोग थे आपका कलमा पढ़ने वाले, मुट्ठी भर लोग थे, आप यूं समझिए पांचवा साल था जब नबूवत का, चार साल गुजर चुके थे, पांचवा साल चल रहा था। तो उस साल
सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत मिली थी। और जिस दिन हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था उस दिन मुसलमानों की तादाद 40 हुई थी, कुल 40 हजरत उमर को मिलाकर। थोड़े से मुसलमान थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बिल्कुल मुतमईन था। अल्लाह अकबर। क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह के वादों का यकीन किसको हो सकता था? हुजूर से ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा किसको हो सकता था? हुजूर को मालूम था ये अल्लाह की एक तरतीब है, काम तरतीब के मुताबिक होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो दीन अता फरमाया है ये पूरी दुनिया में गालिब हो कर रहेगा, ये हमारा यकीन होना चाहिए। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में गालिब हो कर रहेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की मर्जी से सब कुछ करने को तैयार थे। सुना होगा आपने बार बार, हुजूर के जो चचा थे अबू तालिब, एक मर्तबा उनके पास मक्के के सरदार आए और उन लोगों ने आकर के कहा कि अबू तालिब आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपका बुढ़ापा भी है और आप हमारे अमीर भी हैं, सरदार भी हैं, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आप अपने भतीजे मोहम्मद को सपोर्ट करते हैं, आपकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते और वो मानते नहीं, वो हमारे माबूदों को गलत कहते हैं। भाई गलत को गलत कहा जाएगा कि सही है? गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। कोई दिन को दिन कहे ये गुनाह है? कोई रात को दिन कहे ये गुनाह है ना? रात को रात कहना तो गुनाह नहीं है, दिन को दिन कहना तो गुनाह नहीं है। एक आदमी भूखा है, उसने देखा यहां सेब रखा हुआ है, खा लूंगा तो पेट भर जाएगा, और वो मट्टी का बना हुआ सेब है या प्लास्टिक का बना हुआ सेब है। किसी ने कहा भाई उससे पेट नहीं भरेगा, वो देखने का है खाने का नहीं, तो ये गुनाह है। अब जो बेचारा उस मट्टी के सेब से या प्लास्टिक के सेब से दुनिया को धोखा देना चाहता है वो तो कहेगा ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने हमारे सेब को गलत कह दिया। सेब को गलत नहीं कहा भाई, उससे जो उम्मीद लगाई गई है ये बतलाया गया, ये उम्मीद यहाँ पूरी नहीं होगी। जो उम्मीदें अल्लाह से लगाई जाती हैं अगर बंदों ने वो उम्मीदें कहीं और लगा ली हैं तो कभी पूरी नहीं होंगी। जो बतला देता है कि नहीं पूरी होंगी वो इंसानों का हमदर्द है, वो इंसानों का गुनहगार और मुजरिम नहीं है। यही जुर्म था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में, कि आप बतला देते थे कि तुमने जहां से उम्मीदें लगा रखी हैं वहां से कुछ होने वाला नहीं है, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। अबू तालिब बेचारे बूढ़े थे, उन्होंने बिला भेजा हुजूर को, करीब करीब में मकानात होते थे। ये आपके खानकाह का जितना इलाका है ना, जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर के और वो रोड से जहाँ मुड़ते हैं वहाँ, तकरीबन इतनी थी मक्के की आबादी बस। बीच में हरम था और इतनी में मक्का में, अभी भी जाकर के देख लीजिए। वो बाबुल मलिक फहद से बाहर निकलने के बाद जो सामने का बुलंद पहाड़ था जिसको जबल उमर कहते थे, पता नहीं हुजूर के ज़माने में क्या कहते थे, जो तोड़ दिया गया बिल्डिंगें बन गई, वो पहाड़ी पर आबादी ख़त्म हो जाती थी। इधर जहाँ
मलिक अब्दुल्लाह वाली तौसी हुई है हरम की, उसके पीछे जो शामिया की पहाड़ी थी उस पहाड़ी पर जाकर के आबादी ख़त्म हो जाती थी। उधर मिसफला और मिसबाल का मिसयाल नाला था, बस वहाँ जाकर आबादी ख़त्म हो जाती थी। इतनी जगह में आबादी थी मक्की, तो ज़्यादा दूर मकान नहीं होते थे, करीब करीब। और बनू हाशिम के मकाना तो और करीब करीब थे, वहीं हज़रत अबू तालिब का मकान था, वहीं करीब में हज़रत खदीजा का मकान था जहाँ हुजूर रहते थे। किसी को भेजा, बुला लिया, और मक्के वालों ने यूँ कहा था कि या तो आप मोहम्मद से कहें, क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम आया तो दुरूद पढ़ना चाहिए ना, कहने का इंतज़ार है। असल में बंगलोर वालों का इंतज़ार करने का मिजाज बन गया, खाना आके सामने रखा रहता है, निकालते नहीं, कोई प्लेट में डाल दे, इसीलिए दरूद भी नहीं पढ़ते। भाई अपना खाना अपने प्लेट में खुद निकाला करो, और जब हुजूर का नाम आया करे तो किसी के कहे बगैर दरूद पढ़ा करो। ये इंतज़ार का मिजाज ख़त्म करो, अपना काम खुद करने की आदत डालो। यहाँ माशाल्लाह हमने देखा कोई निकालते बैठे रहेंगे, ये डाल दे, वो डाल दे, वो क्या भिखारीपन है, अपना काम खुद करो, जितनी ज़रूरत है इतना। फिर से दुरूद शरीफ पढ़े, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने भतीजे से कहें, उनको जो करना है अपने घर में करें, ये उनका पर्सनल मामला है। यही मुतालबे इस ज़माने में भी हो रहे हैं ना, समझिए ये जो वाक़यात सुनाए जा रहे हैं, इन वाक़यात के तनाजुर में आज के हालात को समझने की कोशिश करें, और अगर वो न माने तो आप भी इससे हट जाइए। हुजूर तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू तालिब ने कहा भतीजे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कब तक तुमको सपोर्ट करूँ, देखो ये तुम्हारी कौम के बड़े हैं, सरदार हैं, ये क्या कह रहे हैं सुनो, ये कह रहे हैं तुमको जो कुछ करना है अपने घर में करो, बाहर किसी को दावत मत दो, वरना ये लोग मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि आप हट जाइए भी इससे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद चचा भी थक गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया चचा आपका दिल चाहे मेरा साथ दें, न दिल चाहे न दें, या तो अल्लाह का दीन दुनिया में गालिब होगा या इसी रास्ते में मोहम्मद की जान जाएगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अल्लाह इस ईमान का कोई जर्रा मुझे आपको भी नसीब फरमा दे कि अल्लाह का दीन तो दुनिया में गालिब होगा, हमारी जिंदगी इसी रास्ते में खपेगी, हमारी जिंदगी में गालिब हो या बाद में गालिब हो वो तो होकर रहेगा, हम अपनी जिंदगी इसी रास्ते में खपाएंगे। अल्लाह आफियत के साथ हमें कबूल फरमाए, इस्तेमाल फरमाए। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के सरदारों से कहा, उस वक्त की सूरत हाल को समझिए, अरब बहुत कमज़ोर थे, आपस में खूब शेर बने रहते थे, जैसे महल्ले के कुत्ते आपस में एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, यही हाल उस जमाने में अरबों का था, आपस में खूब शेर बने रहते थे। बाहर की ताकतों के मुकाबले में, रोम और ईरान के मुकाबले में भीगी बिल्ली बने रहते थे। दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें थी, दो सुपर पावर थी उस वक्त, उनकी निगाहों में अरबों की कोई अहमियत नहीं थी। अरब का अक्सर इलाका रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक सिवाय रेत के कुछ नहीं होता, कोई फलदार दरख्त नहीं होते थे, कहीं कहीं जंगली बेर की झाड़ियां होती थी। कुछ इलाके थे जहां
खजूरों के बागात थे, कुछ खेती बाड़ी होती थी, कुछ इलाके थे जो समंदर के किनारे थे, जहां बड़ी बंदरगाहें थी, वहां से आमदनी हो सकती थी। वो सारे इलाके बाहर की ताकतों के कब्जे में थे। मदीने में खेती बाड़ी होती थी, खजूरों की पैदावार होती थी, मदीने पर तकरीबन यहूदियों का कब्जा था, खैबर पर यहूदियों का कब्जा था, नजद के जो शादाब इलाके थे, नजरान वगैरह के इलाके, वहां बार की सरपरस्ती में हुकूमत कायम थी। हुक्मरान मकामी होते थे लेकिन निगरान बाहर के होते थे, वो टैक्स लेते थे, खराज वसूल करते थे। यमन की बंदरगाह आमदनी का जरिया थी, वहां भी बाहर वालों की हुकूमत थी। दिल कुड़ते थे अरबों के लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, उनके पास सिवाय रेत के और कुछ नहीं था। जो थोड़ी बहुत उनके इलाके की आमदनी होती थी उस पर भी बाहर की हुकूमतें कब्जा कर लेती थी। ये दूसरों को टैक्स देते थे, पूरा अरब उनके कब्जे में नहीं था, अरब के आबाद और शादाब इलाके उनके कब्जे में नहीं थे, वो उनको हसरत से देखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में ही निहायत कमजोर हैं, आपके साथियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक दिन मक्के के सारे सरदार जमा हुए इसी तरह अबू तालिब के पास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चचा मैं इन लोगों से एक बात कह रहा हूं, अगर ये लोग मेरी एक बात मान लें तो पूरा अरब इनका हो जाएगा। अरब के जो शादाब इलाके हैं, जो आबाद इलाके हैं, जिन पर बाहर की हुकूमतों का कब्जा है, वो सब इनके हो जाएंगे, और जिन हुकूमतों को अभी ये टैक्स देते हैं वो हुकूमतें इनको टैक्स देंगी। उस जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई थी, एक आम आदमी इस बात को नऊज़ु बिल्लाह दीवानेपन के सिवा और कुछ नहीं कह सकता था, बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नहीं था। जैसी ये बात सुनी तो अबू जहल तो उछल कर खड़ा हो गया, उसने कहा क्या कह रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसी एक नहीं दस बातें मानने को तैयार हैं जिससे पूरा अरब हमारा हो जाए, और बाहर की ताकतें हमको टैक्स देने लगी, बताओ वो कौन सी बात है, हम ऐसी दस बातें मानने को तैयार हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बस वो एक ही बात है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई वो खड़ा हो गया। फिर वही अपनी शुरू कर दी, घुमा फिरा करके फिर वही ले आ, ये तो हमें मानना नहीं ना। जो कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुआ या नहीं हुआ? रोम और ईरान ने अरबों को टैक्स दिया कि नहीं दिया? सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत आते आते 44 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत इस्लामिया कायम थी, 44 लाख मुरब्बा मील। और हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब जमाना आया तो 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, बाकी सब टैक्स अदा करते थे। लेकिन यह हुआ किस तरह? अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात बर्पा किए जाते हैं। जिस जमाने में इसकी तैयारियां हो रही थी
उस जमाने में आम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब समझ में आ रहा था, और सहाबा इकराम को चूंकि भरोसा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए हजरत सहाबा इकराम गोया हुजूर की आंखों से देख रहे थे। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे हम भी हुजूर की आंखों से देखा करें, हम कुरान की आयात के जरिए देखा करें, हम अहादीस मुबारका के जरिए देखा करें, कुरान हमारी आंख बन जाए, अहादीस मुबारका हमारी आंख बन जाए, तो दुनिया के हालात सही सही हमें नजर आएंगे। कैसा एतमाद था हजरत सहाबा इकराम को, उसका अंदाजा लगाइए। हिजरत के पांचवें साल जब पूरे अरब के 10,000 के मुत्तहिदा मुहाज ने मदीना तय्यबा पर हमला किया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोद कर मदीने की हिफाजत की थी, क्या अंदाजा है आप लोगों का कितने दिनों में वो खंदक खुदी होगी? कम से कम महीनों का प्रोग्राम तो रहा होगा, सिर्फ 6 दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के जरिए सिर्फ 6 दिन में खंदक तैयार कराई थी। अब जब वो लोग आए तो सोच भी नहीं सकते थे अचानक, अरे ये क्या हुआ, अरबों के यहां भी कैसा कभी हुआ ही नहीं था, वक्त इतना कम था, दुश्मन इतनी तेजी के साथ आ रहा था, दुश्मन के पहुंचने से पहले पहले पूरी खंदक का तैयार होना जरूरी था। सख्त सर्दी का जमाना था, मदीने की सर्दी कोई मामूली नहीं होती है, कभी कभी माइनस तक पहुंच जाती है। हाँ देखिए जो रहे हैं वो हाथ उठाकर बतला रहे हैं, बहुत सर्दी होती है, दांत बचते हैं, ऐसी सर्दी का जमाना था। ऐसी सर्दी में लोग घरों के अंदर बैठते हैं, बाहर निकलना आसान नहीं होता, और मदीने में सर्दी में हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, दिन में भी काम हो रहा था रात में भी काम हो रहा था, खाने का इंतजाम नहीं था, क्योंकि खजूरें सर्दी में नहीं पकती हैं, सर्दी में तो स्टॉक इस्तेमाल होता है, खजूरें तो गर्मी में पकती हैं, तो खजूरों के पकने का मौसम भी नहीं था, खाने पीने की किल्लत थी, बाहर से तकरीबन बाइकॉट था, मदीने का तकरीबन पूरे अरब ने बाइकॉट किया हुआ था, इसलिए जिंदगी के सामान की बहुत किल्लत थी, खाने पीने की किल्लत थी। पेट पर पत्थर बांध बांध कर सहाबा इकराम काम कर रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में काम कर रहे थे। मदीने के अंदर जो यहूदियों का कबीला था बनो कुरैज़ा, जिनसे मुसलमानों की सुलह थी, खतरा था कि ये भी बदहदी कर सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने बदहदी की तो उसी जानिब मदीने वालों ने अपने बच्चों को और अपनी औरतों को ठहरा दिया था, उनके लिए सख्त खतरा था, और उनके पास इतनी फौज नहीं थी कि इधर भी इंतजाम करें इधर भी इंतजाम करें, जो थोड़ी सी ताकत थी वो खंदक पर लगी हुई थी कि खंदक को पार करके दुश्मन ना आने पाए, और खंदक पर निगरानी थी कि कोई अगर आना चाहे तो उसको तीरों से निशाना बनाया जाए, वरना इतनी गहरी भी खंदक नहीं थी कि कोई आ ही ना सके, जितना मुमकिन था वो कर लिया गया था। दिल दहल रहे थे, अब देखो क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कुरान कहता है हुनालिक अब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, इस वक्त ईमान वालों को सख्त आजमाया गया, उनको हिलाया गया, झिझोड़ा गया। इस हाल में बीच में एक चट्टान आ गई, टूट ही नहीं रही, अब उसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देंगे तो पूरी खंदक का कोई फायदा ही नहीं। ये तो ऐसा हुआ, ऐसे ही हुआ जैसे लंबा नाला खोद दिया गया और बीच में एक पुल बना दिया गया, कहले नाला क्यों खोदा है, ताकि कोई आ ना सके, तो फिर पुल क्यों बनाया भाई, आने वाले सब इससे आ जाएंगे, तो वो चट्टान तो पुल का काम करती,
सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर चट्टान आ गई टूट नहीं रही। हुजूर ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। सहाबा को इत्मीनान था अब तो हिमालय पहाड़ भी आ जाए तो बचने वाला नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुदाल अपने हाथ में लिया और आपने एक मारा जोर से, जो मारा तो चट्टान का कुछ हिस्सा टूटा और आग की चिंगारियां निकली। जैसी चिंगारियां निकली तो आपने फरमाया मुझे इसमें मुल्क शाम के खजाने दिखाए गए। सहाबा किराम ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया जोश में, कोई हुजूर ने खुशखबरी सुना दी कि मुल्क शाम फतह होगा। मुल्क शाम रोम हुकूमत में था, रोम की हुकूमत टूटेगी मुल्क शाम फतह होगा। हालत यह है कि पेट भरने के लिए लुकमा नहीं है, बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, दुश्मनों से मुकाबले के लिए पूरी ताकत नहीं है, औरतें और बच्चे सब खतरे में हैं और इत्तला दे रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम के खजाने दिखाए गए और सहाबा कराम ने खुशी में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। दोबारा आपने कुदाल मारा, फिर चिंगारियां निकली, आपने फरमाया मुझे ईरान के खजाने दिखाए गए, फिर सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तीसरी मरतबा आपने कुदाल मारी, फिर चिंगारियां निकली, आपने फरमाया मुझे यमन के खजाने दिखाए गए, फिर सहाबा कराम ने नारा लगाया। यहूदियों ने तो चिल्लाना शुरू कर दिया, हद होती है कोई धोखेबाजी की, कब तक धोखा देते रहेंगे मोहम्मद और कब तक ये बेवकूफ धोखा खाते रहेंगे। लेकिन तारीख ने बतला दिया, रोम भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ, यमन भी फतह हुआ, वो सारे खजाने मदीना आए। हुआ कि नहीं हुआ? वो सब तैयारियां चल रही थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मंसूबा बतला दिया था। दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उन दोनों ताकतों का खात्मा जरूरी था ना। तो दुनिया दारुल असबाब है, ये खात्मा एक दिन में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया था, पहले वो दोनों ताकतें आपस में टकराएं, आपस में टकराएं और चूर चूर हों। रुक जाइए थोड़ा सा, फिर से सुनिए इन जुमलों को। दुनिया में उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी हैं, नहीं कहा मैंने, आप चाहें तो समझ लें। दुनिया में उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उन दोनों ताकतों का खत्म होना जरूरी था। यह खात्मा एक दिन में नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने पहले उन दोनों ताकतों को एक दूसरे में उलझाया, उन्होंने आपस में टकरा करके एक दूसरे को खत्म करना शुरू किया। ये होते हैं कुदरत के मंसूबे। बात समझ में आ रही है? माजी की समझ में आ रही है, मुस्तकबिल की भी समझ में आ रही है? अल्लाह के समझ में आए। जब ये दोनों आपस में टकराते टकराते बिल्कुल कमजोर हो गए तो फिर अल्लाह ने इंतजाम किया, अब इन दोनों से ईमान वाले टकराएं, उनमें तो खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, तो ये भी घुटनों के बल गिर गए, वो भी घुटनों के बल गिर गए। ये तैयारियां कुदरत की जानिब से उस वक्त शुरू हो गई थी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा में बेइज्जत हुई थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों की आपस में जंगे, और एक जमाने से जंगे चल रही थी। इधर मक्का मुकर्रमा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल रहे थे, जवान हो रहे थे, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था और उधर जंगे शुरू हो चुकी थी, तैयारियां शुरू हो गई। एक जमाना था जब रोम और ईरान में दोस्ती होती थी, फिर वो दोस्ती दुश्मनी में बदली। दोनों इतनी बड़ी ताकतें थी कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी।
या तो इसके साथ या इसके साथ, तीसरा कोई ब्लॉक नहीं था। दो ब्लॉक में पूरी दुनिया बटी हुई थी। ये लफ्ज मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया ताकि आप बहुत दूर ना चले जाया करें, जरा करीब भी आ जाया करें। तो पूरी दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी। अब इन दोनों में आपस में जंगे शुरू हुई और ऐसा लगा धीरे धीरे कि रोम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कमर टूट गई रोमियों की, शिकस्त के बाद शिकस्त, एक हार के बाद दूसरी हार, और ईरानी मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, रोमियों के इलाकों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। जिस जमाने में रोमियों की मुसलसल शिकस्त हो रही थी, हत्ता कि रोमन एम्पायर का अरबों से जो सबसे करीब का इलाका था वो मुल्क शाम था, जहां बैतुल मक्दिस है, जिस इलाके में आज फलस्तीन और इसराइल और उर्दू ने, ये सबसे करीब का इलाका था अरबों के लिए। यहां भी रूमी फौजी हारी और इस पर भी ईरानियों ने कब्जा कर लिया। मक्के मुकर्रमा में, मक्के में बसने वाले ईमान वालों को ताने देते थे और यूं कहते थे, देखो ये रोम वाले जो है ना, ये अपने को अहले किताब कहते हैं तुम्हारी तरह। ये कहते हैं एक अल्लाह की हम पूजा करते हैं, हालांकि करते नहीं थे, लेकिन कहते हैं तुम्हारी तरह। और ये जो ईरान वाले हैं, ये हमारी तरह आग की पूजा करते हैं, जैसे हम बुतों की पूजा करते हैं। देख रहे हो, वहां हमारे भाई ईरानी तुम्हारे भाइयों को मार रहे हैं, यहां हम तुम्हें मार मार के खत्म करेंगे। ये कहकर, इस किस्म के ताने देकर वो लोग मक्का मुकर्रमा में ईमान वालों के हौसले पस्त करना चाहते थे। और असल ताकत इरादे की ताकत होती है, हौसले की ताकत होती है। अगर हौसला खत्म हो जाए तो पहलवान भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर अंदर पुख्ता इरादा हो, हिम्मत बुलंद हो, तो कमजोर आदमी भी बड़े बड़े पहलवानों को पटक देता है। हिम्मत हार जाने पर मुझे एक वाकया याद आया। एक बादशाह का बड़ा कीमती घोड़ा था, वो एक मर्तबा बैठ गया तो उठ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश की गई उसको उठाने की, उठते ही बस गर्दन डाले बैठा रहता था, जैसे मायूस पड़ा हुआ है। बादशाह को यह डर लगा, मेरा इतना खूबसूरत जवान कीमती घोड़ा इतना मायूस है, मर जाएगा। बड़े बड़े दानाओं और हकीमों को बुलाया गया, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने समझा कि बीमार है, इसको कुछ दवा दें। वो बीमारी दवा से खत्म होने वाली नहीं थी। एक समझदार आदमी आया, उसने आकर के कहा, ओहो मैं समझ गया इसका मसला। हुजूर एक काम करें, बहुत आला नस्ल के 10 जंगी घोड़े मंगाए गए। 10 जवान फौजियों को तैयार करके इन घोड़ों पर बैठाए गए। अब तुम लोग चारों तरफ अपने घोड़े दौड़ाने शुरू करो। जो वो 10 घोड़े चारों तरफ दौड़ने लगे और हिनहिनाने लगे, तो इस घोड़े ने जो आंख बंद किए पड़ा था, आंख खोला, फिर कान खड़े किए, फिर चौकन्ना हुआ और एकदम से कूद कर उठा और साथ में दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक दौड़ता रहा, फिर सबको रोक दिया गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर आपके घोड़े का इलाज हो गया, ठीक हो गया घोड़ा। तो बादशाह ने कहा, भाई ठीक है, इलाज तो हो गया, लेकिन हुआ क्या था, जरा समझाओ तो मुझे। उसने कहा, जाने दीजिए, जो हुआ था हो गया। कहा, नहीं मुझे बतलाओ।
असल में आपका घोड़ा ख्वाब में जंग हार गया था। उसने ख्वाब देखा था कि मैं जंग हार गया हूं, तो वो मायूस हो गया था। अब जब 10 घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया, उनके पीठ पर सिपाही बैठे हुए थे, उसने आवाजें सुनी, आंख खोल कर देखा, तो उसको लगा कि नहीं नहीं अभी तो जंग जारी है, अभी तो हमारे अपने फौजी दौड़ रहे, तो वो भी उठ करके दौड़ना शुरू कर दिया उसने। हौसलों का हार जाना, हिम्मत का टूट जाना सबसे खतरनाक चीज होती है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने तवक्कुल की तालीम इसीलिए दी है। हालात दुनिया में आते जाते रहते हैं, हिम्मतें बुलंद रखो, अल्लाह पर भरोसा करो। तो मक्के के मुशरिकीन चाहते थे कि मुसलमानों की हिम्मतें तोड़ दी जाए, वो ताने देते थे, आलमी हालात के ताने देते थे कि जिस तरह ईरानी रूमियों को हर मैदान में मार रहे हैं, हम भी तुमको मार मार के खत्म कर देंगे। हमारे यहां भी मीडिया के जरिए और तरह तरह की हिट स्पीचेस के जरिए और तकरीरों के जरिए कुछ नहीं, सिर्फ हिम्मतें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा वो हिम्मत हार के बैठ जाएगा, और जिसको अल्लाह पर भरोसा होगा वो इत्मीनान रखेगा, ये अल्लाह की जानिब से तैयारियां हैं। नतीजा क्या निकलेगा हमें पहले से मालूम है, उसको अभी बतलाने की जरूरत नहीं, जब निकलेगा सब देख लेंगे। जैसे जब सूरज निकलता है तो बतलाना पड़ता है रोशनी हो गई क्यों, अगर मैं आप लोगों को ना बतलाऊं इस वक्त रोशनी है तो किसी को रोशनी नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी। इसी तरह जो हालात आएंगे, और हालात कौन से आएंगे, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, और हुजूर ने क्या बतलाए हैं वो समझ कर हमको पहले से बतला गए हैं। हजरतुल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोड हैं जिनको खोल करके उन्होंने हमको बतला दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने मंसूबे की थोड़ी सी तफसील बतला दी ताकि ईमान वाले हिम्मत ना हारे। और वो तफसील क्या बतलाई, वो ये बतलाई कि रूमी जंग हार गए हैं, हमें भी मालूम है हार गए। कहां हारे हैं, फी अदनल अर्द, अदना के माना है करीब, एक माना करीब की जमीन में। रोमियों के इलाके की अरबों से सबसे करीब की जमीन यही थी जहां आज इसराइल फलस्तीन और उर्दू ने, यही पूरा इलाका था। लेकिन अदना के एक माना है पस्त, निचली, और जब उसकी इजाफत अल अर्द की जानिब की जाए फी अदनल अर्द, तो उसके माना हो गए जमीन के सबसे पस्त इलाके में। और आज जब पूरी जमीन को देख लिया गया, समझ लिया गया, नाप लिया गया, तो सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि सतह समंदर से सबसे ज्यादा निचली जमीन वही है जो आज उर्दुन और फलस्तीन का इलाका है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है, उस जमाने में किसी को यह बात नहीं मालूम थी, जमीन का सबसे निचला हिस्सा वही। वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबूना फी बिज़ सिनीन, लेकिन चंद सालों के बाद ये हारी हुई जंग जीतेंगे, चंद सालों के बाद। ये जो कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया बिज़, जिसका तर्जमा मैंने किया है चंद, फी बिज़ सिनीन, चंद सालों में, अरबी मुहावरे में ये लफ्ज 3 से 9 तक के लिए इस्तेमाल होता है, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 9। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम के ईमान का ये आलम था, अल्लाह ऐसा ईमान मुझे और आपको भी आता फरमा दे। ये जो मुसलमानों को इस वक्त हिलाया जा रहा है, झिझोड़ा जा रहा है ना, वो इसीलिए ताकि जरा उनके ईमान का लेवल ऊंचा हो, और जिनका नहीं हो सकता वो जरा जगह खाली करें दूसरों के लिए,
जिन्होंने जबरदस्ती सीटें घेर रखी हैं वो खाली करें, जो वेटिंग में है उनको आने दें। मक्के का एक सरदार था, वो आया हजरत अबू बकर के पास। जिस जमाने में ये आयत नाजिल हुई थी कि चंद सालों में रोमी जंग जीत जाएंगे, उस जमाने में दुनिया में इससे ज्यादा नामुमकिन कोई पेशेंट गोई नहीं हो सकती। इतने कमजोर हो गए थे रोमी, इतने कमजोर हो गए थे कि अब लगता था कभी उठ नहीं सकेंगे। हत्ता कि रोमियों ने मजबूर होकर ईरान के बादशाह के पास एक वफद भेजा था कि हुजूर हमारी दरख्वास्त है कि अब आप हमसे सुलह कर लें, जितने इलाके आपने फतह कर लिए हैं हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे, वो आपके, जो बच गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो खराज आप कहेंगे सालाना टैक्स वो हम दे दिया करेंगे, हमारी बची कुची हुकूमत बाकी रहने दें। जिल्लत की इंतहा थी। तो मालूम है ईरान के बादशाह ने क्या कहा था, ऐसी शर्तें लगाई थी, अल्लाह की पनाह। पहली शर्त तो ये लगाई कि अपने बादशाह को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ करके मेरे दरबार में लाके पेश करूं, मैं अपने हाथ से उसको खत्म करूंगा। ये कैसे हो सकता था। दूसरी इतनी घिनौनी शर्त लगाई कि उसका तज़किरा करने का दिल नहीं चाहता। ये शर्त लगाई कि हर साल अपने इलाके की, अपनी कौम की इतनी खूबसूरत नौजवान कुंवारी लड़कियां हमारे यहां भेजा करो जो हमारी हो जाएंगी, हम अपनी फौजियों में उनको तकसीम कर देंगे। और तीसरी शर्त जो माल की, इतना कपड़ा चाहिए, इतना गल्ला चाहिए, इतना चाहिए, वो शायद देने को वो लोग तैयार हो जाते किसी तरह, लेकिन ये दो शर्तें तो उन लोगों ने तय किया कि नहीं, हम जंग करेंगे चाहे हमारा खून का आखिरी कतरा बह जाए। ये बिल्कुल आखिरी मरहले में हुआ था, इतने कमजोर हो चुके थे रोमी। और कुरान ने क्या कहा था, चंद दिनों के बाद शिकस्त फतह से बदल जाएगी, चंद सालों के बाद। तो मक्के का एक सरदार था, वो मजाक उड़ाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, अबू बकर तुम्हारे साथी कह रहे हैं चंद सालों में रूमी जीत जाएंगे, क्या तुम भी ऐसा समझते हो? हजरत अबू बकर ने कहा समझते हो क्या मतलब, जो वो कह रहे हैं वो 100% सच है, होकर रहेगा। तो लोग ये समझते थे मक्के में कि नऊज़ बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सीधे साधे लोगों पर कोई जादू कर दिया है। आज भी जिनकी जिंदगियां बदलती है ना, देखने वाले ये समझते हैं इनके ऊपर कोई जादू कर दिया यार, अच्छा वाला आदमी था, ये क्या हो गया, इतना अच्छा चेहरा लगता था उसने दाढ़ी रख ली और नंगे सर फिरता था टोपी लगा ली और इतना स्मार्ट बना फिरता था, ये क्या कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया, जादू कर दिया हजरत, तो जादू करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही समझा जाता था इन्होंने जादू कर दिया है, ये दीवाने हो गए, पागल हो रहे हैं ये लोग। तो सरदार ने कहा अबू बकर शर्त लगाओगे? हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है, कितने की? 10 ऊंटों की। कितने दिन में होगा यह वाकया? हजरत अबू बकर ने कहा 3 साल में। यकीन की इंतहा, 3 साल में, 3 साल में रूमी जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। क्यों कहा था हजरत अबू बकर ने 3 साल में? बिज़ुन में कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 9। तो हजरत अबू बकर ने सोचा जब अल्लाह ने कह दिया है तो अल्लाह की ताकत तो सबसे बड़ी है ना, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, 3 साल में हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इससे आगे थी कि भाई हम अल्लाह को मजबूर तो नहीं कह सकते, अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है उसमें 3 से लेकर 9 तक की गुंजाइश है, तो हम अल्लाह को पाबंद तो नहीं कर सकते, इसलिए 9 साल के अंदर जब अल्लाह चाहेंगे तब हो जाएगा। हजरत अबू बकर ने आकर के जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर होगा तो वही जो अल्लाह ने कहा है,
लेकिन ये जो तुमने 3 साल कह दिया है ना, इसको तब्दील करो। कोई जरूरी नहीं कि ये 3 साल में हो जाए। उन्होंने कहा, हुजूर मैंने तो उससे शर्त लगा ली। कहा, जाकर के उससे कहो शर्त 10 ऊंटों की नहीं 100 ऊंटों की होगी, तब तो वो खुशी खुशी राजी हो जाएगा। उसे तो यकीन था मक्के के सरदार को कि ये 10 ऊंट तो मुझे मिलने, ये मुझे मिल करके रहेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा, एक काम करो, शर्त 10 ऊंटों की नहीं, हम 100 ऊंटों की लगाते। अगर रूमी जीते तो 100 ऊंट मुझे देना, नहीं जीते तो मैं तुमको दूंगा, लेकिन 3 साल नहीं 9 साल की शर्त होगी। तो उसने सोचा 3 नहीं 9 में सही, 10 के बजाय 100 ऊंट मिलेंगे, मिलना तो मुझे। वो खुशी खुशी तैयार हो गया। और आपको पता है, उन इनकार करने वालों को इसका कहां यकीन था कि अल्लाह के कलाम है। वो समझते थे कि हुजूर अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो नऊज बिल्ला, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला दी, उसके बाद रूमियों के हालात और खराब होते गए और खराब होते गए। हत्ता कि वो वाकया पेश आया कि रूमियों ने ईरानियों से सुलह करनी चाहिए और ईरानियों ने ऐसी शर्तें लगाई कि रूमियों के लिए उनको बर्दाश्त करना आसान नहीं था। और फिर रूमियों का आखिरी लश्कर निकला हिरकल की सरदारी में, तो रूमी अपनी आबादियों में अपने मकानों के ऊपर खड़े होकर हसरत के साथ उस लश्कर को देख रहे थे, ये समझकर ये हमारी आखिरी बची कुची फौज है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और इसको भी जाकर मैदान जंग में मर जाना है। बरसों से मुसलसल यही होता चला जा आ रहा था। जो फौज जाती थी वो हारती थी, जो फौज जाती थी वो हारती थी, और इस मर्तबा बादशाह खुद फौज लेकर निकला। उधर ईरानी जीत के नशे में इतने मस्त हो गए थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि रूमी हम पर कोई हमला करेंगे। रोमियों ने अचानक हमला किया और उसके नतीजे में ईरान का जो दारुसल्तनत था, जहां बादशाह रहता था, उससे 17 मील करीब तक पहुंच गए रोमी। बादशाह अपना महल छोड़कर भाग गया, अपना शहर छोड़कर भाग गया। रोमियों को ऐसी जबरदस्त फतह हुई। और पता है, जिस दिन ये फतह हुई रूमियों को, उसी दिन बद्र में ईमान वालों को फतह हुई। वो जो ताना देने वाले थे ना, यहां उनका सलाद बन रहा था, यहां बद्र के मैदान में उनकी सफाई हो रही थी, मारे जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे, दोनों वाकयात एक साथ हुए। और अल्लाह ताला ने पेश की इत्तला दी थी कि ये दोनों वाकयात एक साथ होंगे। अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द, करीब की जमीन में या सबसे निचली जमीन में रूमी हार गए हैं। वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़ई सिनीन। अब मैं इसका वो तर्जमा करूंगा जिसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर ये लोग हार के बाद 3 से 9 साल तक दोबारा जंग जीत जाएंगे। लिल्लाहि अल-अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, अभी भी अल्लाह का हुक्म चलता है, उस वक्त भी अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। यानी अभी जो हो रहा है ये भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अभी एक ताकत को मुस्तकिल बढ़ावा मिल रहा है और दूसरी ताकत को तोड़ा जा रहा है, यह भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। फिर उस कमजोर ताकत के जरिए इस बड़ी ताकत को तोड़ा जाएगा, यह भी अल्लाह के हुक्म से होगा। वयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाह, और जिस दिन यह वाकया पेश आएगा उसी दिन ईमान वालों को अल्लाह की मदद मिलेगी और वो भी खुश हो जाएंगे।
यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहते हैं मदद करते हैं। वहु अजीजुर रहीम, अल्लाह बहुत गालिब और बहुत रहम करने वाले हैं। वादल्लाह, अब तो हमें मालूम है कि ये हो चुका, रूमी जीत चुके। और जब रूमी जीते उसी वक्त बद्र में ईमान वाले जीते, अल्लाह की मदद आ गई और अल्लाह ने सब कुछ कर दिखाया। लेकिन जिस वक्त ये आयात नाजिल हुई थी उस वक्त उधर रूमी मुसलसल हार रहे थे, इधर ईमान वाले मक्के में मुसलसल पिट रहे थे। इन आयात के नाजिल होने के बाद रोज बरोज रूमियों के हालात और खराब हो रहे थे, और इन आयात के नाजिल होने के बाद रोज बरोज मक्के मुकर्रमा में ईमान वालों के हालात और खराब हो रहे थे। हत्ता की हालत यहां तक पहुंच गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के में रहना नामुमकिन हो गया, और आपको पनाह की तलाश में ताइफ जाना पड़ा और वहां से भी मायूस वापस आना पड़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपके लिए मक्के में जिंदा रहना दुश्वार हो गया, और आपको रात की तारीकी में छुपकर मक्के से निकलना पड़ा और आपने मदीना तैयबा की जानिब हिजरत फरमाई। मक्के में ईमान वालों के साथ ये हालात थे, और उधर रोम वालों के साथ ये हालात थे कि वो सुलह की पेशकश कर रहे थे और ईरान का हुक्मरान उनसे सुलह करने को तैयार नहीं था। उस वक्त कोई सोच सकता था कि ऐसा होगा जैसा अल्लाह ने कहा? उस वक्त अल्लाह ने फरमाया था वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, ला युखलिफुल्लाहु वादहु, और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करते। इसी तरह इस वक्त भी आइंदा आने वाले हालात की जो इत्तला दी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, आप तो अल्लाह की तर्जमानी करते हैं, आपको जो कुछ बतलाया जाता है अल्लाह की तरफ से बतलाया जाता है। तो हमें इत्मीनान रहना चाहिए कि अल्लाह का वादा चाहे बज़ाहिर हालात कुछ भी नजर आए, चाहे हम कितने भी लुटते पिटते नजर आए, और चाहे हमारी मसाजिद को, हमारे मदारिस को, हमारी खानकाहों को जितना चैलेंज किया जाए, और चाहे उनके खिलाफ जितनी साजिशें की जाएं, लेकिन होगा वो जिसका अल्लाह ने वादा किया है। वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहु वादहु वलकिन अक्सरुन्नास ला यालमून, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करते, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है। يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا, असल में ये लोग ऊपर ऊपर की चीजें देखते हैं, इनकी नजर सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर होती है। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये आखिरत को नहीं देखते, ये अल्लाह के वादों को नहीं देखते। हमने इनको दो आंखें दी है, ये एक ही आंख से काम लेते हैं, ये सिर्फ दुनिया को देखते हैं। इनकी दुनिया को देखने वाली आंख तो बहुत काम करती है, आखरत को देखने वाली आंख काम नहीं करती। जाहिरी असबाब को देखने वाली आंख तो इनकी खुली हुई है, अल्लाह के वादों को देखने वाली आंख इनकी खुली हुई नहीं है। ईमान वाले की दोनों आंखें खुल जाती हैं, ईमान वाला जाहिर के असबाब को भी देखता है, अल्लाह के वादों को भी देखता है, और उसे नजर आता है ये असबाब अल्लाह के पाबंद है, अल्लाह इन असबाब के पाबंद नहीं है। जो अभी नजर आ रहा है उसका बजाही जो मंतिकी नतीजा है वो नहीं होगा, जो अल्लाह का वादा है वो होकर रहेगा। फिर यही हुआ, बस बात ज्यादा लंबी नहीं करनी, फिर यही होगा। अभी भी दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं उलझी हुई है ना आपस में, समझें अल्लाह कुछ करने वाले हैं, उनको आपस में उलझा करके खत्म कर रहे हैं अल्लाह। पहले एक को खूब मौका दिया हुआ था, अब एक को दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया है, और उसके बाद अल्लाह ने अपने दीन को गलबे के लिए दुनिया में भेजा है। अल्लाह का दीन गालिब होगा, और अल्लाह का दीन जब गालिब होगा तो इंसानों का नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। सोती हुई इंसानियत बेदार होगी। अल्लाह का दीन गालिब होगा तो दुनिया में जुल्म बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा, ना इंसाफी बढ़ेगी नहीं, खत्म होगी, भुखमरी आम नहीं होगी, खत्म होगी। फिर हर एक को खाना मिलेगा, हर एक को रोटी मिलेगी, हर एक को कपड़ा मिलेगा, हर एक को मकान मिलेगा, हर इंसान को इज्जत मिलेगी, और हर इंसान को
आजादी मिलेगी अपने रब को, अपने मालिक को पुकारने की, मनाने की और इबादत करने की। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सब अल्लाह के करने के काम हैं। अल्लाह अपना काम करेंगे और अल्लाह अपना काम कर रहे हैं। हमें वो करना चाहिए जो हमारे करने का काम है, और हमारे करने का काम ये है कि हम अपनी सलाहियतों को अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगियों को गुनाहों की गंदगियों से खाली करें, अपने आप को 100% अल्लाह के हवाले करें, अपना हर अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें, अपनी जबान को पाक करें झूठ से, गीबत से, गाली गलौज से, अपनी निगाहों को पाक करें, अपने ख्यालात को पाक करें, अपने लुक्मे को पाक करें, अपनी आमदनी को और अपनी कमाई को पाक करें, अपने औकात को पाक करें, गुनाहों से पाक करें, अपना वक्त अल्लाह की मर्जी के लिए इस्तेमाल करें। पढ़ने वाले बच्चे खूब मेहनत से पढ़ें, काम करने वाले खूब मेहनत से काम करें, खूब अल्लाह को याद करें, खूब अल्लाह की इबादत करें। तिजारत करने वाले खूब मेहनत से तिजारत करें, अपने बीवी बच्चों का खर्च भी पूरा करें और अल्लाह के जरूरतमंद बंदों और बंदियों पर खर्च करें, दीन के तकाजों पर खर्च करें और अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले करें। अल्लाह के कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह का काम पूरा हो कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह तो अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे? कब से शुरू करेंगे? अभी से शुरू करें, सच्ची पक्की तौबा करें, अभी से नियत करें, इंशाल्लाह अपने आप को 100% मुकम्मल बदल डालने की नियत करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इसी नियत के साथ तौबा के कलिमात पढ़ें। जो लोग कह रहे थे हमें बैत होना था, हम बैत नहीं हो सके, वो अब बैत के कलिमात पढ़ लें। जो पहले पढ़ चुके हैं वो अपनी बैत को ताज़ा करने की नियत करें और मामूलात पूरे करें, अपने को गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करें। और अगर नफ्स और शैतान गुनाह करा दे तो तौबा करने में बिल्कुल देर न करें, फौरन तौबा करें, अपने शेख से अपना राबता मजबूत रखें। पढ़ें इन कलिमात को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। الله تعالى ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے। और मेरे दोस्तों, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सबको मालूम है मजलिस अब अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की असर से शुरू हो जाती है और इतवार को जोहर तक, जोहर ज़रा ताखीर से होती है, मजलिस रहती है। पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम देखते हैं मजमा किस्तों में आता है, कुछ रात में आते हैं चले जाते हैं, कुछ दिन में आते हैं चले जाते हैं। फ़ायदा तो होता है जितनी देर के लिए भी आते हैं, लेकिन पूरा फ़ायदा उन्हीं को होता है जो पूरे वक्त के लिए आते हैं। ज़रा महीने के ये 3 दिन फारिग करें, फिर पूरे महीने उसकी बरकत अपनी ज़िंदगी में देखें। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि जब आप खानकाह के लिए अपने घर से निकलें तो घर से घर तक दुनिया से हटने कटने की नियत करके निकलें कि अब हम जा रहे हैं, वापस आने तक इस दुनिया से और दुनिया के किसी काम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, हम सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहे हैं, सारा वक्त अल्लाह की याद में गुजारेंगे। अब आप कहेंगे सारा वक्त अल्लाह की याद में गुजारेंगे तो फिर बिल्कुल मुँह में ताला लगा लेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, सोएंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं। नहीं, इसको एक मिसाल से समझिए। आप मस्जिद जाते हैं, कौन कौन जाता है अभी मस्जिद? काहे के लिए जाते हैं मस्जिद? इबादत करने जाते हैं ना, और कोई मकसद तो नहीं होता? वहां जाकर वजू से पहले इस्तिंजा करते हैं कि नहीं? आप इस्तिंजा करने तो नहीं गए थे ना, आप तो इबादत करने गए। इस्तिंजा करना इबादत है? इबादत की जरूरत है, इस्तिंजा करना
इबादत की जरूरत है, क्योंकि अगर पेशाब पखाने का तकाजा होगा तो नमाज में दिल नहीं लगेगा, जिक्र तिलावत में दिल नहीं लगेगा, तो वो इबादत की जरूरत है इसलिए इस्तिंजा करते हैं। तो ये नहीं कहा जाता कि साहब मस्जिद गए थे इबादत करने इस्तिंजा क्यों किया, वो भी इबादत में शामिल हो जाता है। घर से घर तक अल्लाह की याद की नियत करें, उसके बाद जो अल्लाह की याद की जरूरत हो, खाना खाना भी जरूरत है, खाना नहीं खाएंगे तो अल्लाह को कैसे याद करेंगे, तो जरूरत के लिए खाना खा लें, सोना भी जरूरत है, इस्तिंजा करना भी जरूरत है, और कोई जरूरी बात है तो वो जरूरत है, जितनी जरूरत है इतना काम करें, बाकी हर वक्त अल्लाह को याद करें, तो फिर इंशाल्लाह ये जरूरतें भी मकसद का हिस्सा बन जाएंगी। ये जो आप गुफ्तगू करेंगे, आराम करेंगे, इस्तिंजा करेंगे, ये भी इंशाल्लाह इबादत में शुमार होगा। इसकी पक्की नियत कर ली ना सबने इंशाल्लाह, अब आइंदा हमेशा घर से घर तक कुछ वक्त तो हमारा ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हमारा दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो, बिल्कुल हम अल्लाह के हो जाए, करके देखें इंशाल्लाह कितना नफा होता है। ठीक है, कोई हैरान तो नहीं करना। यहां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल तामीरी काम हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, और अल्लाह का फजल है अब तक कोई काम रुका नहीं है। हमारे मुखलिस अहबाब के हलाल तआवुन से, उनकी हलाल कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात का तआवुन जारी रहेगा। मौलाना ने मुझसे कहा कि अभी कुछ फौरी काम है और उसके लिए क़याम के लिए जगह नाकाफ़ी हो रही है, ऊपर कुछ कमरे बनाए जा रहे हैं, उनकी छत वगैरह डालना, इन्होंने बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। 2 लाख हो कि 5 लाख हो कि 10 लाख हो, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कोई काम रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। इसलिए मैं नाम वाम नहीं पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ख्याल फरमाएंगे और तआवुन फरमाएंगे। तआवुन किस तरह करना है उसकी तरतीब भी मालूम है, हमारा तामीरात का अकाउंट भी है, उसका वो क्या कहते हैं QR कोड भी आ गया है, वो चाहें तो ले लें। अगर कुछ हजरात नकद तआवुन करना चाहते हैं, शहर में हमारे मौलाना नसीर साहब हैं, शहर में ही मुफ्ती सोहेब साहब हैं, हाजी यूसुफ साहब हैं, और हमारे बशीर भाई हैं, ज़िया भाई हैं, ये हजरात हैं, किसी को भी पहुंचा दें तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, उनसे कह देंगे वो रसीद पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, और आपका पैसा अल्लाह ने चाहा तो सही जगह पर खर्च होगा। अल्लाह सबको ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर मुराक़बा कर लें, आँखें बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उस सब से हट कट कर अल्लाह की याद में खो जाएँ, और ये नीयत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों को धो रही है, और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबान से अल्लाह अल्लाह न कहें, बस ये नियत करें कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई तेरे सिवा, मैं तेरे सामने मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मेरे स
सजदों में तेरी ही हम्द ओ सना मेरे सजदों में तेरी ही हम्द ओ सना मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने मेरी तौबा है तौबा है मेरे इला मुझ गुनहगार को तू न देना सजा मेरी तौबा है तौबा है मेरे इला मुझ गुनह सजा मुझ गुनहगार से तू न हो ना खफा मेरी आहों को सुन मेरी आहों को सुन ले ऐ हाजत रवा मेरी आहों को सुन ले मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं अब तेरे आगे ही सर को झुकाए हैं अब तेरे बंदे तेरे घर में आए हैं अब तेरे आगे ही सर को झुकाए हैं अब आज कर दे अता आज कर दे अता ही तू अपनी रजा आज कर दे अता आज कर दे अता हमको अपनी रजा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा नहीं कोई नहीं इस गुनहगार का मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा नहीं कोई नहीं इस गुनहगार का बख्श दूंगा मैं तुझको बख्श दूंगा मैं तुझको ये है वादा तेरा बख्श देगा हमें बख्श देगा हमें ये है वादा तेरा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बियल अलियल अला वहाब اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم آپ سچے ہیں آپ کے سارے وعدے سچے ہیں اللہ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں آپ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے اللہ آپ ہمیں اپنے سچے وعدوں کا سچا یقین عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دیجئے کامل اعتماد عطا فرما دیجئے کامل توکل نصیب فرما دیجئے کامل صبر و شکر نصیب فرما دیجئے کامل تفویض نصیب فرما دیجئے اللہ کامل تفویض نصیب فرما دیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں اللہ بندوں کو بھی بندیوں کو بھی اللہ سب کو امتحان اور آزمائش سے بچا لیجئے اللہ ہم امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ امتحان اور آزمائش سے بچا لیجئے اللہ ہمیں اپنی مدد و نصرت سے مالا مال فرمائیے اللہ اپنی مدد و نصرت سے مالا مال فرمائیے اللہ ہماری ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اب تک کی زندگی ہم نے اچھی نہیں گزاری اس کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ ہم کو اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولیاء کاملین کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے انگ انگ میں روے روے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ اس آنے والے پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے اللہ جو رات میں آئے جو دن میں آئے جو تہجد میں آئے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے کم وقت کے لیے آئے اور چلے گئے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے اللہ سب کو ولایت کاملہ عطا فرما دیجئے سب کے ظاہر و باطن کو روشن فرما دیجئے اللہ سب کے ظاہر و باطن کو روشن فرما دیجئے اللہ دور سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے اس بار آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ہماری خواتین جو آنا چاہتی ہیں لیکن ہماری مجبوری کی وجہ سے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بہتر اور مناسب پردے کے ساتھ انتظام نہیں ہے اس لیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے شریک ہوتی ہیں یا آئندہ ان مجلسوں کو سنیں گے اور شریک ہوں گی اللہ مردوں کی عورتوں کی بوڑھوں کی بچوں کی بڑوں کی چھوٹوں کی سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے اللہ سب کی تمام ضروریات کی کفالت فرمائیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ ہمارے ایمان والے تاجروں کی تجارت میں برکت پیدا فرمائیے اللہ ملازمین کی ملازمت میں برکت دیجئے اللہ طلبہ کی تعلیم میں برکت دیجئے ان کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیے وقت ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے نفس اور شیطان کا کہنا ماننے سے حفاظت فرمائیے اللہ نفس کا کہنا مان کر جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں اللہ ہمارے بچوں کو بے داغ جوانی نصیب فرمائیے اللہ ہمارے جوان بچوں کو بے داغ جوانی نصیب فرمائیے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ان کی حفاظت فرمائیے اللہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ جیسے آپ نے حضرات صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی اللہ صحابہ کی جماعت بھی تو نوجوانوں کی جماعت تھی اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ جیسی صفات عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بوڑھے صحابہ جیسی صفات عطا فرما دیجئے اللہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسا جذبہ عطا فرما دیجئے اللہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسی فدائیت نصیب فرما دیجئے اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسا ایمان عطا فرما دیجئے حضرت عثمان اور حضرت علی جیسی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ کا سایہ ہمارے دلوں پر ڈال دیجئے اللہ ان صفات کا فیض ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ ان صفات کا فیض ہمیں نصیب فرما دیجئے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے اللہ گھروں کے جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے دلوں
को आपस में एक दूसरे से जोड़ दीजिए। अल्लाह दीन की भी हिफाजत फरमाइए, दीनदारों की भी हिफाजत फरमाइए, दीनी कामों की भी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारी नियतों की भी हिफाजत फरमाइए, हमारे अमाल की भी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह अमाल को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाइए, नियतों को कमाल इखलास नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह नियतों को कमाल इखलास नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाइए, ईमान और अमाल में बरकत अता फरमाइए, घरों में और रिश्तों में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह आखिरी सांस तक हमारी तमाम ताकतें और कुव्वतें सलामत रखिए, रगड़ रगड़ कर जीने से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह अल्लाह बड़ी और तकलीफ दे बीमारियों से हम सबकी हिफाजत फरमाइए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाइए। अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमाइए, और अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो कामिल ईमान की मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह ठंडी कुशादा और आरामदेह कब्रें नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे बाद हमारे बाद रह जाने वालों को ईमान पर इस्तेकामत नसीब फरमाइए, उनकी तमाम ज़रूरियात की किफालत फरमाइए। अल्लाह हमारे ज़ाहिर को 100% सुन्नतों से सजा दीजिए, हमारे बातिन को अपनी याद से आबाद फरमा दीजिए। अल्लाह इस खानकाह को आबाद रखिए, इसको आबाद करने वालों को आबाद रखिए। अल्लाह यहाँ की तमाम ज़रूरियात की गैब से किफालत फरमाइए। अल्लाह अब तक की सारी ज़रूरतें आप ही ने पूरी फरमाई हैं, अल्लाह आइंदा की ज़रूरतें भी आप ही पूरी फरमाएंगे। अल्लाह मखलूक के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत से हमें बचा दीजिए, अपने सामने हाथ फैलाकर मांगने की इज्जत नसीब फरमाइए। अल्लाह अपने नेक और मकबूल बंदों की हलाल और पाकीज़ा कमाइयों के ज़रिए से इस खानकाह की और दीन की तमाम ज़रूरियात की किफालत फरमाइए, तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमाइए। अल्लाह आसानी के साथ बहुत अच्छी आरामदेह कुशादा मस्जिद बनवा दीजिए, अल्लाह उसे कबूल फरमाइए। मेहमान खाना बनवा दीजिए, अल्लाह बच्चों के लिए दारुल इकामा बनवा दीजिए, अल्लाह अच्छी दरसगाहें बनवा दीजिए, अल्लाह असातिज़ा के लिए अच्छी क़यामगाहें बनवा दीजिए। अल्लाह आने वाले मेहमानों के लिए हम कोई इंतज़ाम नहीं कर पाते, शर्मिंदगी होती है। अल्लाह उनके लिए सोने की जगह का भी माकूल इंतज़ाम नहीं कर पाते, अल्लाह जगह की तंगी दूर फरमा दीजिए, ज़रूरियात पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह ज़रूरियात पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह अगली मजलिस से पहले पहले, अल्लाह उम्मीद है अगली मजलिस होगी तो मौसम ठंडा होगा, आने वाले मेहमानों को तकलीफ़ ना होने पाए। अल्लाह तामीर का जो अधूरा काम है, अल्लाह अगली मजलिस से पहले पहले उसे पूरा करा दीजिए। अल्लाह गैबी ख़जानों के मुँह खोल दीजिए, और अल्लाह मखलूक से मांगने की ज़िल्लत से हमेशा हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह सबके उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए, सबकी सारी ज़रूरतों की किफालत फरमाइए। अल्लाह हमारे घरों की ज़रूरतें भी पूरी फरमा दीजिए, हमारे बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह हमको, हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर वालों को, हमारे तमाम मुतालिकीन को और सिलसिले में दाखिल होने वाले तमाम अफराद को अल्लाह नूर निस्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबके दिलों को रोशन कर दीजिए, सबके लिए दुनिया और आखरत की भलाइयों के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह किसी को दोबारा नफ्स और शैतान के हवाले न फरमाइए। अल्लाह क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों में किसी को जहन्नमी न बनाइए, किसी को ईमान से महरूम न फरमाइए। अल्लाह दूर करीब जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, या उनको हमसे अच्छी तवक्कुआत हैं, या इस वक्त भी वो दूर दराज इलाकों में बैठकर इन दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, या आइंदा सुनेंगे और कहेंगे, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाएँ और मुरादें पूरी फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह जो मांगा वो भी आता फरमाइए, जो मांगना चाहिए नहीं मांग सके वो भी आता फरमाइए। अल्लाह बगैर मांगे आता फरमाइए, मांगने का सलीका आता फरमाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।